Welcome to my channel. I am a daily blogger from Uttarakhand, Deepa Singh. I am a homemaker. Please friend, like, share, comment, subscribe and hit the bell icon for notification. So, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं. तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है अपने प्लांट्स के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्लांट्स में वर्क करती रहती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. तो मैंने बनाया है ये देखिए, ये था गुल्लक जो कि मैंने आपको पहले भी इसका वीडियो दिखाया था कि मैंने इसको तोड़ दिया था और इसमें से कितने पैसे निकले थे. तो उसके बाद मैं इसको फेंकने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं. मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक या यूट्यूब में भी मैंने वीडियो देखा था. तो उसमें क्या करते हैं, जो पॉट टूट जाता है उसको मतलब उसको अच्छे से डेकोरेट करके उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेते हैं. इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है. तो आप इसको मतलब इंडोर प्लांट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड लाइक अ सो पीस भी यूज़ कर सकते हैं. देखिए इस तरीके का बनाया है मैंने. तो अभी जो आगे वीडियो में आप देखिएगा कि पूरी वीडियो आप देखिएगा कैसे मैंने बनाया है, कितना अच्छा मतलब सुंदर बिल्कुल बहुत प्यारा इसका लुक आया है. देखिए आप तो ज़रूर आपको पसंद आएगा. और यहाँ पे स्टोन्स यूज़ किए हैं मैंने देखिए, और काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लगाए इसमें ताकि अच्छा लगेगा. तो काफ़ी अच्छा देखिए, काफ़ी बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था इसका. और पेंट किया हुआ था तो मुझे थ्रो करने का मन नहीं कर रहा था, तो एक्चुअली मिट्टी का था तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं. एंड प्लांट्स मुझे काफ़ी पसंद है और शायद बहुत लोगों को और भी पसंद होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको चलिए यूज़ कर लेते हैं. तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को पूरा वॉच करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये मेरा प्लांट का आइडिया. तो इस तरह से आपके अगर गमले भी टूट जाते हैं तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं एज ए सो प्लांट. और नीचे से एक्चुअली इसमें कोई होल नहीं किया है मैंने, क्योंकि इनमें स्प्रे से ही स्प्रे भी अगर आप करेंगे पानी का तो उससे भी ये मतलब जिंदा रहते हैं ये प्लांट्स जो भी इसमें लगाए हैं. इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. एक्चुअली ये प्लांट्स एनवायरमेंट से भी पानी ले लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक ऐसे रहते हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये अपना जो मैंने बनाया है. तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा. तो वो एक पुराना गुल्लक था फ्रेंड्स जो मैंने तोड़ दिया है, तो मैंने इसे थ्रो नहीं किया. देखिए मैंने इसको कैसे यूज़ किया बनवाया मैं हाय. एंड अभी देखिए मैं इसको कैसे यूज़ करना बताती हूँ. तो मैंने इसको हैमर की मदद से और प्लास की मदद से थोड़ा सा और तोड़ा, थोड़ा नीचे तक, क्योंकि थोड़ा ऊपर तक टूटा हुआ था ये, बाकी इसमें कोई भी क्रैक नहीं था. तो बट इसको यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का है ये, आप इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं. तो मैंने भी इसमें प्लांट्स लगा लिए हैं और मिट्टी डाली है मैंने इसमें, और स्टोन्स यूज़ किए हैं और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यूज़ किए हैं छोटे छोटे. तो आप देखते रहिए और जैसे मुझे अच्छा लगा मतलब वैसे मैंने इसको यूज़ किया है. तो दिखने में काफ़ी अच्छा और डेकोरेटिव लग रहा था. तो मैंने इसमें स्टोन्स यूज़ किए हैं और बाद में पानी छिड़का है थोड़ा, तो बहुत प्यारा और क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा था. कहीं पर भी आप इसको सजा के रख सकते हैं. तो इस तरह से आप कहीं पर भी अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं.